गुड मॉर्निंग एवरीवन. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पॉइंट. ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑइंटमेंट. आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट. ओके, इन दैट इट इज टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट फर्स्ट इज बेस्ड ऑन पेनेट्रेशन एंड सेकेंड वन इज दैट बेस्ड ऑन थेरापटिक यूजेस. ओके, आफ्टर दैट द क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑइंटमेंट बेसिस. ओके, ऑइंटमेंट बेसिस के हमने उसके प्रॉपर्टीज, आइडियल प्रॉपर्टीज देख लिए थे. ऑइंटमेंट का क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर ओलेजिनस बेसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन बेसिस. ओके, तो वो स्टडी किए थे हमने प्रीवियस लेक्चर में. नेक्स्ट सेकंड वन इज दैट एब्सॉर्प्शन बेसिस एंड थर्ड इज इमल्शन बेसिस एंड फोर्थ वन इज वाटर सोल्यूबल बेसिस. तो ओलेजिनस बेसिस और एब्सॉर्प्शन बेसिस हमने स्टडी किए थे. थर्ड वन जो था इमल्शन बेसिस वो स्टडी करेंगे हम. दीज आर अनहाइड्रस है. हाइड्रस है क्या? अनहाइड्रस है. हाइड्रोफिलिक, एब्सॉर्ब्स वाटर विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी. इट इज ईजी टू रिमूव दिस बेसिस फ्रॉम स्किन ड्यू टू देयर हाइड्रोफिलिक नेचर. These are used to form oil in water emulsion for topical applications. They have the same properties as the absorption bases. They are used as emollients, cleansing creams, vehicle for solids and liquid drugs. Okay, emulsion bases जो होता है ये जो हम study कर रहे हैं ointment bases. तो एक base जो कि ointment का जो base होता है, एक ingredient बोलेंगे उसको, एक base बोलेंगे जो कि ointment में use किया जाता है. उसके अंदर हम another drugs we have to add it in this bases and to form एन ऑइंटमेंट. ओके, एक ऑइंटमेंट प्रिपेयर करने के लिए मोस्ट जो मेन जो बेस होता है जो कि ऑइंटमेंट बेस कहलाता है, वो फर्स्टली हमने यूज़ करना होता है हमारे ऑइंटमेंट में. और उसके साथ अनदर इन्ग्रीडियंट वी हैव टू और ड्रग वी हैव टू एडेड इन दिस ऑइंटमेंट बेसिस. ओके, तो फर्स्ट जो ओलेजिनस बेसिस हमने स्टडी किए थे, उसके बाद एब्सॉर्प्शन बेसिस हमने स्टडी किए, देन थर्ड वन इज इमल्शन बेसिस जो कि अनहाइड्रस है. हाइड्रस है क्या? नहीं है, अनहाइड्रस है. हाइड्रस, ओके, अनहाइड्रस है. देन उसके बाद हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर को वाटर्स के साथ ज़्यादा एब्सॉर्ब करता है. हाइड्रोफोबिक मतलब, फोबिक मतलब वाटर को हेट करता है. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को लव करता है, मतलब वो वाटर को एब्सॉर्ब करता है. एब्सॉर्ब्स वाटर विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसकी, लो थर्मल कंडक्टिविटी है. देन इट इज़ ईजी टू रिमूव दिस बेसिस फ्रॉम स्किन ड्यू टू देयर हाइड्रोफिलिक नेचर, मतलब जो कि वाटर को एब्सॉर्ब करता है ईजिली. तो वो जैसे भी हम स्किन के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईजिली वो रिमूव हो जाएगा स्किन से भी. वाटर से हम उसको वॉश करेंगे वाटर से उस जगह को, उस पार्ट को, तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा स्किन से. दिज आर यूज टू फॉर्म एंड दिस इमल्शन बेसिस यूज इन द ऑयल इन वाटर. Obviously, oil in water emulsion for that purpose. Oil in water मतलब जो water की quantity है वो ज़्यादा है, continuous phase है water का. Hydrophilic है, oil की मात्रा यहाँ पर कम है, water ज़्यादा है. Oil in water मतलब जो water है वो continuous phase में है और जो oil है वो internal phase में है. समझ में आता है क्या? तो उसके बाद hydrophilic है ये obviously and used for topical application. They have the same properties as the absorption bases. जैसे हमने absorption bases को study किए थे, आपने पहले वाला जो video मैंने send किया था तो उसको अच्छे से study करो, उसके बाद आपको सारे आगे के parts समझ में आएंगे. ओके, एब्सॉर्प्शन जो बेसिस हमने स्टडी किए थे उसकी तरह से इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है. देन उसके बाद बताता है यहाँ पर कि दे आर यूज्ड एज इमोलियंट्स, मतलब सूथिंग नेचर, एक सॉफ्ट एक नेचर प्रोड्यूस करता है स्किन के ऊपर. क्लींजिंग एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज क्लींजिंग क्रीम, जो वॉश करने के लिए जो क्रीम बनाते हैं, यानी एक क्लींजिंग क्रीम जो प्रिपेयर किया जाता है या चेहरा धोने के लिए या कोई कुछ भी एक फेस वॉश बताओ, एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल फेस वॉश है या कोई भी क्रीम है जो कि क्लींजिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसके अंदर इसका इमल्शन बेस का यूज़ किया जाता है. देन व्हीकल फॉर सॉलिड, एज अ व्हीकल बोल के भी हमने इसको लेना होता है सॉलिड प्रिपरेशन के अंदर. देन लिक्विड ड्रग्स के अंदर, लिक्विड ड्रग्स जो हम बनाते हैं उसके अंदर
अंदर भी इमल्शन बेसिस और एक बोल के हमने उसके अंदर यूज करना होता है. ओके तो समझ में आया, इमल्शन बेसिस एक अनहाइड्रस है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर एब्सॉर्ब कर जाता है, लो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी लो है, जैसे भी स्किन के ऊपर लगाएंगे इजीली वो रिमूव हो जाएगा वाटर से. एब्सॉर्प्शन जो बेसिस है उसकी प्रॉपर्टी से ये रिलेट करता है. ओके इमोलिएंट प्रॉपर्टीज है, क्लींजिंग क्रीम में इसका यूज़ किया जाता है, देन व्हीकल फॉर सॉलिड के लिए भी यूज़ किया जाता है, लिक्विड ड्रग्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है. किसको? इमल्शन बेसिस को. देन एग्जाम्पल यहाँ पर बताते हैं, कोल्ड क्रीम्स टाइप हाइड्रस, लैनोलिन, रोज वाटर ऑइंटमेंट एक्सेट्रा यूज इन दैट क्रीम वी हैव टू यूज दिस इमल्शन बेसिस. ओके तो नेक्स्ट वन है, फोर्थ वन इज दैट वाटर सोल्यूबल बेसिस. एज द नेम इंडिकेट, वाटर सोल्यूबल बेसिस. ओके इन दैट बेसिस डोज नॉट कंटेन, डोज नॉट कंटेन ऑयली सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ग्रीजलेस बेस, कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होने वाले बेसिस को हमने यूज़ करना होता है. इन दैट बेसिस डज नॉट कंटेन ऑयली सब्सटेंस. ओके इसके अंदर ऑयली सब्सटेंस नहीं है एंड आर कॉल्ड ग्रीजलेस, मतलब ग्रीज मतलब चिकट, चिकट नसणारे बेसिस अपन यूज करना है जे कि ऑयली फ्री है, जे कि ऑइल त्याच्यामध्ये काहीच नसणार आहे, ग्रीजलेस असणार आहे. ग्रीज म्हणजे चिकट असणार आहे, चिकट. ओके तर इथं ग्रीजलेस म्हणलेलं आपल्याला, जे की चिकट नसणार आहेत, कम्प्लीटली सोल्युबल. अँड जे सो बेसिस आपण घेणार आहेत सच एज वॉटर सोल्युबल बेसिस, ते वॉटरमध्ये सोल्युबल होणार आहे. ओके अँड नावामध्ये सांगितलेलं आहे वॉटर सोल्युबल बेसिस. दोज आर प्रिपेअर्ड यूजिंग मिक्सचर ऑफ डिफरंट मॉलिक्युलर वेट ऑफ अ पॉलीथायलिन ग्लायकॉल मैक्रोगोल्स. ओके यहाँ पर बताता है कि अलग अलग मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए वाटर सोल्यूबल बेसिस का यूज़ किया जाता है, सच एज मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, उसको बोला जाता है मैक्रोगोल्स. ओके एक्सेट्रा. पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज PEG आर मिक्सड ऑफ पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर. तो PEG का यूज़ किया जाता है पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट का, पॉलीकंडेंसेशन करने के लिए पॉलीकंडेंसेशन करने के लिए PEG का यूज़ किया जाता है. उसके बाद पॉलीथाइलिन और पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड वाटर का कंडेंसेशन करने के लिए PEG का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल. लोअर मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर्स 200, 400, 600 ग्राम पर मोल आर लिक्विड्स एंड द एवरेज मोलिकुलर वेट इंक्रीजेस दिस पॉलीमर्स चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वैक्स सॉलिड बट नॉट ग्रेटर दैन 1000 ग्राम पर मोल. तो जो लो मोलिकुलर वेट होते हैं, तो जो कि लो मोलिकुलर वेट होता है जैसे कि 200, 400, 600 लिक्विड का, उसका कन्वर्जन मोलिकुलर जो वेट कन्वर्जन है ज़्यादा करने के लिए, पॉलीमर का चेंज करने के लिए लिक्विड टू वैक्स सॉलिड करने के लिए एक मतलब ज़्यादा नहीं है 1000 ग्राम पर मोल तक कन्वर्ट करने के लिए, जो कि मोलिकुलर वेट लिक्विड में था उसको 1000 में कन्वर्ट करने के लिए वाटर सोल्यूबल बेसिस का यूज़ किया जाता है. मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट जो एक लिक्विड में प्रेजेंट है एक क्वांटिटी एक वाटर सोल्यूबल बेसिस, तो उसको हमने उसका मोलिकुलर वेट चेंज करके उसको सॉलिड में वैक्सी सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, जो कि उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 1000 तक. वहाँ तक हम वाटर सोल्यूबल बेसिस को ले सकते हैं और 1000 से आगे नहीं जाना चाहिए. यहाँ पर बताता है स्लाइड में ट्रगाकैंथ, जिलेटिन, पेक्टिन, सेलुलोज डेरिवेटिव्स, बेंटोनाइट, सोडियम एल्जिनेट आर ऑल्सो यूज्ड एज वाटर सोल्यूबल बेसिस. तो ट्रगाकैंथ है, जिलेटिन है, पेक्टिन मतलब एक लिक्विड क्वांटिटी है, उसके अंदर हमने जिलेटिन को ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में हम देखते थे, देखो एक स्टार्च था, स्टार्च का जो पाउडर होता था, हम टैबलेट्स प्रिपेयर करते टाइम जो स्टार्च की पाउडर होती थी लिक्विड के अंदर, वो स्टार्च की पाउडर थोड़ी सी डालते थे और उसको एक ट्रांसल्यूसेंट जिलेटिन टाइप एक प्रोडक्ट एक जेल प्रिपेयर करते थे. उसे उसको क्या करते हैं, लिक्विड को हम सॉलिड में एक वैक्सी सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जो कि उसका जो मॉलिकुलर वेट है 200-400 से थोड़ा सा हाई होता है, जैसे कि 1000 तक होता है, 9000 तक. ओके फॉर दैट ओके वैसे उसे क्या करेंगे, हम एक लिक्विड क्वांटिटी को हम उसको हीट करके एक जिलेटिन समझो, ट्रकाकैंथ समझो, पेक्टिन समझो, सेलुलोज डेरिवेटिव्स है, बेंटोनाइट है, सोडियम अल्जिनेट एक्सेट्रा
वाटर सोल्यूबल बेसिस है जो कि वाटर के अंदर मिक्सअप होते हैं, जो कि हम वाटर के अंदर उसको ऐड करके बेसिस को एक जिलेटिन, एक ट्रांसलूसेंट, एक बेस और वैक्सी सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं। तो उसे हम अलग अलग ऑइंटमेंट में यूज कर सकते हैं एज अ बेस म्हणून। ओके, तर नेक्स्ट बघूयात आपण, हे चार जे टाईप आहेत जे की ऑइंटमेंट बेसिसमध्ये यूज केले जातात। फर्स्ट जे आहे ॲब्सॉर्प्शन बेसिस, देन सेकंड वन, फर्स्ट जे आहे सॉरी ऑलर्जिनस बेसिस, वी कॅन ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायड्रोकार्बन बेसिस। ओके, नेक्स्ट वन इज ॲब्सॉर्प्शन बेसिस। ऑलर्जिनस बेसिस के अंदर पेट्रोल ॲटम था जो की सॉफ्ट पॅराफिन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज हार्ड पॅराफिन। थर्ड वन इज लिक्विड पैराफिन जो कि ओलेजिनस बेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। एब्सॉर्प्शन बेसिस है उसके अंदर नॉन इमल्सिफाइड एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है। उसके अंदर फिर जो नॉन इमल्सिफाइड बेसिस है उसके अंदर वूल फैट है, वूल अल्कोहल एंड बीज वैक्स एंड ऑल्सो कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट सब एग्जाम्पल। वाटर इन ऑयल इमल्शन के अंदर वाटर इन ऑयल इमल्शन के अंदर एक अलग अलग के जो एग्जाम्पल है वो उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, सच एज लैनोलिन कहा जाता है। ओके, उसके बाद क्या बोलते नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारा क्या है जो कि इमल्शन बेसिस। ओके, इमल्शन जो बेसिस था, इमल्शन बेसिस के बाद हमने वाटर सोल्युबल बेसिस देख लिए थे। इमल्शन बेसिस के बाद हमने वाटर सोल्यूबल बेसिस देख लिए। इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि हमने डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लिए थे, उसके बाद हमने ऑइंटमेंट बेसिस में हमने चार टाइप स्टडी कर लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर में का, जो कि सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल्स, मतलब डर्मेटोलॉजिकल मतलब क्या, डर्मा मीन्स स्किन का जो लेयर होता है वहाँ पर हमने एज अ ऑइंटमेंट के लिए अलग अलग बेसिस यूज़ करने होते हैं। ऑइंटमेंट अलग अलग, हम अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो वो डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल कौन से क्या क्या यूज़ करेंगे, डर्मा मतलब स्किन के ऊपर अलग अलग उसका पेनिट्रेशन करने के लिए स्किन के लेयर के अंदर करना है, उसके बाद स्किन के अंदर वाले लेयर में एब्सॉर्ब करने के लिए अलग से ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है हमको। तो अलग अलग ऑइंटमेंट प्रिपेयर करने के लिए एक सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल मतलब अलग अलग व्हीकल हम यूज करेंगे। ओके, तो कुछ फैक्टर्स जो कि रिलेट करते हैं, कुछ फैक्टर जो कि क्या हमने मस्ट होते हैं स्टडी करने के लिए, कि क्या उसके लिए क्या मतलब आपल्याला सांगते की काय बॅरियर त्याच्यामध्ये निर्माण होऊ शकतं का, काय बॅरियर येतं का, हे फॅक्टर किंवा हे आपण व्हेकल यूज केलेलं आहे एका ओलेजिनस एका ऑइंटमेंटमध्ये, तर काय आपल्याला तिथं बॅरियर काय येतं आहे का, ते पाहण्यासाठी काही फॅक्टर आपल्याला स्टडी करावं लागतात जे की डर्मॅटॉलॉजिकलशी रिलेटेड आहेत। ओके, सिलेक्शन ऑफ डर्मॅटॉलॉजिकल व्हेकल, फॉलोइंग आर द फॅक्टर्स विच गव्हर्न द सिलेक्शन ऑफ आयडियल बेसिस फॉर ऑइंटमेंट। ओके, एक आयडियल ऑइंटमेंट प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला स्टँडर्ड किंवा परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ व्हेकल्स, एक व्हेकल जे आपण यूज करणार आहेत आपल्या ऑइंटमेंटमध्ये, ते व्हेकल किंवा एक ऑइंटमेंट जे बेसिस आहेत ते परफेक्ट यूज करण्यासाठी किंवा आपल्या स्किनवर व्यवस्थित ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी ते कोणते म्हणजे काय काय कसं कसं यूज करायचं आहे त्यासाठी आपल्याला एक काही फॅक्टर बघावं लागतात जे की काय बॅरियर निर्माण करतात का आपल्या स्किनवर, काय रिॲक्शन होते का, काय साईड इफेक्ट येतात का, ते सगळं आपल्याला बघूनच आपलं एक स्टँडर्ड ऑइंटमेंट आपल्याला प्रिपेअर करावं लागतं। तर त्यासाठी काहीतरी फॅक्टर दिलेले आहेत ते आपल्याला स्टडी करावे लागतात। फर्स्ट वन इज दॅट डर्मॅटोलॉजिकल फॅक्टर्स अँड सेकंड वन इज दॅट फार्मास्युटिकल फॅक्टर। ओके, दोन फॅक्टर आहेत, फर्स्ट इज डर्मॅटोलॉजिकल फॅक्टर्स अँड सेकंड वन इज फार्मास्युटिकल फॅक्टर। फैक्टर्स के अंदर इसके अंदर सेवंथ फैक्टर जो दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारा ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना होता है। डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर एंड सेकंड वन इज फार्मास्यूटिकल फैक्टर। ओके, डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर के अंदर 7 पॉइंट दिए गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारा एक स्टैंडर्ड ऑइंटमेंट हमने प्रिपेयर करना होता है। तो फर्स्ट इज एब्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन, सेकंड इज इफेक्ट ऑन द स्किन फंक्शन, थर्ड इज मिसिबिलिटी विथ स्किन सिक्रेशन एंड सेरम, कंपैटिबिलिटी विथ स्किन सिक्रेशंस, फिफ्थ वन इज फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट, सिक्स्थ इज इमोलियंट प्रॉपर्टीज, सेवंथ इज ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड रिमूवल। ओके, तो ये 7
जो पॉइंट हैं जो कि दिए गए हैं डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर के अंदर. सो लेट्स सी वन बाय वन ऑल ऑफ दिस 7 डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर्स. ओके, तो एक स्किन का स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिए थे जो कि इपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, फैट होता है, कनेक्टिव टिश्यू. एक स्किन का एक स्ट्रक्चर है. उस तरीके से हमने ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना होता है. अलग अलग कैटेगरी का ऑइंटमेंट हम अलग अलग इन्ग्रीडियंट को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं, जो कि कुछ स्किन के लेयर के ऊपर अप्लाई करना होता है, जो कि एक ब्लड वेसल में उसका पेनेट्रेशन, उसका एब्सॉर्प्शन होने के लिए एक ऑइंटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट हम बनाते हैं अलग अलग कंडीशन से. ओके, तो आगे देख लेते हैं. फर्स्ट जो था एब्सॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन. फर्स्ट जो हमारा डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर है जो कि एब्सॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन है. एब्सॉर्प्शन मीन्स एक्चुअल एब्सॉर्प्शन मतलब कितना ड्रग, कितना ऑइंटमेंट और कितनी उसकी क्वांटिटी हमारे स्किन के अंदर वाले लेयर में एब्सॉर्ब होती है वो हमने देखना होता है. पेनेट्रेशन उसका क्या है, कितना पेनेट्रेट होता है ड्रग वो हमने देखना है. और कितना डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और वी कैन से दैट डिजायर्ड थेरापोटिक एक्शन हमको कितना मिलता है उस ऑइंटमेंट से, वो हमने स्टडी करना होता है. उसके बाद एक ऑइंटमेंट हम मार्केट में ला सकते हैं, एक मार्केटेड प्रिपरेशन, और एक मार्केट में हम हमारा ऑइंटमेंट एक रिसर्च करके बना सकते हैं, ला सकते हैं. ओके, एब्सॉर्प्शन मीन्स एक्चुअल एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एब्सॉर्प्शन मतलब वो ड्रग जो है, जो ऑइंटमेंट है उसकी जो क्वांटिटी है हमारे ब्लड के अंदर कितना एब्सॉर्ब करती है वो हमको देखना होता है. पेनेट्रेशन मीन्स पासिस थ्रू द स्किन, पेनेट्रेट स्किन के लेयर के अंदर कितना ड्रग पास होता है वो हमने देखना होता है. ओके, द स्किन हैज़ 3 मेन लेयर्स सच एज इपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. ओके, आफ्टर दैट साइंटिफिकली प्रूव दैट एनिमल फैट्स लाइक वूल फैट एंड फिक्स्ड ऑयल्स पेनेट्रेट मोर रैपिडली थ्रू द स्किन इन कंपैरिजन टू मिनरल ऑयल. जो कि यहाँ पर साइंटिफिकली एक प्रूव किया गया है, जो कि एनिमल फैट से, हाँ जैसे हमने ओलेजिनस बेसिस वो देखे थे उसके अंदर वूल फैट था, हाइड्रस ओलेजिनस फैट, ओलेजिनस और एब्सॉर्प्शन बेसिस हमने जो देखे थे. ओके, उसके अंदर वूल फैट हमने स्टडी किए थे, हाइड्रोसुल फैट, वूल अल्कोहल, बीजवैक्स जो हमने स्टडी किए थे, ये एक एनिमल के जो फैट होता है वहाँ से हमने इसको प्रिपेयर किया था, उसको ऑब्टेन किया था. तो वो जो होता है एनिमल फैट वो एनफिक्स्ड जो ऑयल होते हैं विच हैज़ पेनेट्रेट मोर रैपिडली थ्रू द स्किन. जो एनिमल फैट होता है वो मोर रैपिडली पेनेट्रेट होता है स्किन के अंदर एज कम्पेयर टू द अदर सच एज मिनरल ऑयल सच एज पैराफिन. ओके, जो मिनरल ऑयल होता है उसके अंदर पैराफिन एक एग्जांपल है मिनरल ऑयल का. तो एनिमल जो फैट होता है, जो कि वूल फैट होता है, हाइड्रोसुल फैट, वूल अल्कोहल, बीजवैक्स, ये जो होता है मोर रैपिडली पेनेट्रेट होता है हमारे स्किन के अंदर एज कम्पेयर टू द मिनरल ऑयल सच एज पैराफिन. ओके, देन उसके बाद द सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन बोथ ऑयल एंड वाटर आर मोस्ट रैपिडली एब्सॉर्ब. द सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन बोथ ऑयल एंड वाटर, जो एक सब्सटेंस होता है, जो इंग्रेडिएंट ड्रग होता है वो ऑयल और वाटर के अंदर अच्छे से मिक्सअप होता है, तो वो मोस्ट रेडिली एब्सॉर्ब हमारी स्किन के अंदर वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है. मतलब जो ऑयल और वाटर का हम जब मिक्सअप लेते हैं उसके अंदर हमारा ड्रग डालते हैं, वो अच्छे से मिक्सअप होने के बाद एक ऑइंटमेंट प्रिपेयर होता है, तो वो अच्छे से स्किन के अंदर एब्सॉर्ब होता है. ये यहाँ पर बताया गया है. द ऑयल एंड वाटर इमर्शन बेसिस रिलीज मेडिकामेंट्स मोर रैपिडली देन ओलेजिनस बेसिस मीन्स ऑयल इन वाटर इमर्शन बेसिस. ओके, जो कि ऑयल इन वाटर जो इमर्शन बेसिस होते हैं वो उसका रिलीज जो मेडिकामेंट जो ड्रग हमने उसके अंदर ऐड किया होता है उसका रिलीज मोर रैपिडली क्या होता है रिलीज होता है मेडिकामेंट का हमारे स्किन के अंदर एज कम्पेयर टू द ओलेजिनस बेसिस सच एज वाटर इन ऑयल. ऑब्वियसली ऑयल इन वाटर का ज़्यादा से अच्छे से होगा क्योंकि वाटर जो होता है बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होता है ईजिली, स्किन के अंदर पेनेट्रेट होता है एज कम्पेयर टू द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. ऑयल पेनेट्रेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन वाटर जल्दी से एब्सॉर्ब करता है स्किन के लेयर के अंदर. ये यहाँ पर बताया गया है. ये तो ये था एब्सॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन ऑफ एक फैक्टर है जो कि फैक्टर मतलब क्या है, हमने स्टडी करना होता है कि एक ऑइंटमेंट ऐसे ही हम सपोज
ऐसे हमने एक बनवायचं म्हणून एक एक प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं आहे आणि एक रिसर्च फॉर्म केले आणि एकच ऑइंटमेंट आपण बनवलं आहे आणि असंच मार्केटमध्ये असं आणू शकत नाहीत. आपल्याला सगळं प्रूफसहित दाखवायचं असतं की हे ह्या ज्यावर आम्ही वर्क केलेलं आहे. सॉरी, आपण एखादं वर्क केलेलं आहे, एक फॉर्म्युलेशन आपण प्रिपेअर केलं आहे, एक ऑइंटमेंट आपण बनवलेलं आहे, सगळ्या जे फॅक्टर्स असतात सच ॲज ॲब्सॉर्प्शन असो, पेनेट्रेशन असो, स्किन इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन, विसिबिलिटी किती आहे त्या ऑइंटमेंटची, त्यानंतर कम्पॅटिबल आहे की नाही स्किनसोबत, त्या इरिटंट आपल्याला स्किनवर इरिटंट इफेक्ट भेटतं का, काय साईड इफेक्ट आपल्याला भेटतात का, इम्युलियंट प्रॉपर्टीज आहे की नाही त्याच्यामध्ये, ॲप्लिकेशन करताना इझी आहे की नाही, हे सगळे फॅक्टर्स आपल्याला बघावे लागतात. त्यानंतर आपण एक मार्केटमध्ये एक आपलं रिसर्च फाउंड आउट केलेलं एक आपलं ऑइंटमेंट आपण मार्केटमध्ये आणू शकतो. रिसर्च करताना एखादं नवीन ऑइंटमेंट मार्केटमध्ये आणताना सगळ्या त्याच्या प्रॉपर्टीज, आयडियल प्रॉपर्टीज, गुड प्रॉपर्टीज आणि त्याचे फॅक्टर्स आपल्याला स्टडी करून ते सगळं अप्रूव्ह करून आपल्याला मार्केटमध्ये आपलं प्रिपरेशन आणावं लागतं. तर हे सगळं एक फॅक्टर आहे जे की आपल्याला बघावे लागतात जे की पहिलं होतं ॲब्सॉर्प्शन अँड पेनेट्रेशन. ओके, त्यानंतर बघूयात आपण इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन. सेकंड वन इज दॅट इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन ॲज द नेम इंडिकेट. हमारा इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन मतलब जो हमारा ऑइंटमेंट हमने प्रिपेयर किया है उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के स्किन पर कितना इफेक्ट वो बताता है वो हमने स्टडी करना होता है. ग्रीजी बेसिस में इंटरफियर विथ स्किन फंक्शन लाइक हीट रेडिएशन एंड स्वेट एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो दे रिटर्न टू द स्किन. जो कि ग्रीजी बेसिस होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा चिकट बेसिस होते हैं इंटरफेयर करते हैं विथ स्किन फंक्शन के अंदर. ओके, स्किन फंक्शन के अंदर वो इंटरफेयर करते हैं लाइक हीट रेडिएशन एंड स्वीट एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो दे रिटर्न टू द स्किन बेसिस. मतलब जो चिकट जे बेसिस असतात जे की आपण आपल्या ऑइंटमेंटमध्ये यूज करणार आहेत त्याच्यामुळे काय होणार आहे, काही थोडंसं इंटरफेअर म्हणजे थोडंसं त्याच्या एक स्किनला काही थोडंसं हीट रॅडिएशन ते प्रोड्यूस करतात, म्हणजे थोडंसं लावल्यानंतर हीट्स प्रोड्यूस होते तिथं आणि स्वेट एक्सक्रीशन पण होण्याची शक्यता असते आणि ते थोडंसे इरिटेट करतात स्किनला. जे ग्रेजी बेसिस असतात जे की खूप चिकट असतात ते आणि ते इझिली ते रिमूव्ह पण होत नाहीत. ओके, ते सांगितलेलं आहे द ऑइल इन वॉटर बेसिस मीन्स वॉटर सोल्युबल. ओके, ऑब्विसली ऑइल इन वॉटर बेसिस इज वॉटर सोल्युबल. जो की क्यों वॉटर सोल्युबल है ये, तो ऑइल का जो मात्रा है इसके अंदर वो कम है और वॉटर की ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो वॉटर के अंदर सोल्युबल होगा. तो वॉटर सोल्युबल बेसिस गिव्स कूलिंग इफेक्ट. ओके, जैसे ऑब्वियसली जैसे भी हम वाटर सोल्युबल बेसिस लेंगे वो कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा बताएंगे एज कम्पेयर टू द ऑयली वॉटर इन ऑयल इमल्शन. तो ऑयल इन वॉटर बेसिस मीन्स वॉटर सोल्युबल बेसिस गिव्स कूलिंग इफेक्ट विथ हीलिंग इफेक्ट. ओके, हील भी होता है और कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है बॉडी की स्किन पर. ऑल्सो दे रेडिली मिक्स विथ स्किन सिक्रेशन. जो स्किन का सिक्रेशन है अंदर का जो लेयर का जो सिक्रेशन है उसके अंदर वो अच्छे से रेडिली मिक्सअप होता है. तो ये एक स्किन इफेक्ट के कुछ फंक्शन बताए थे जो कि रिलेट करते हैं, जो कि एक थोड़ा सा इफेक्ट बताते हैं, तो वो हमने स्टडी किए थे. नेक्स्ट वन जो है मिसिबिलिटी विथ स्किन सिक्रेशन एंड सेरम. जो मिसिबिलिटी मतलब एज एन इंडिकेट मिसिबल होना है स्किन के सिक्रेशन के अंदर उसको मिसिबल होना है एक ऑइंटमेंट को, और सीरम के अंदर उसका इफेक्ट बताना है, तो वो हमने स्टडी करना है. इमल्शन बेसिस आर मोर रैपिडली मिसिबल विथ स्किन सिक्रेशन कंपेयर टू द ग्रेजी मटेरियल. फॉर दैट रीजन स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग इज नीडेड व्हेन इमल्शन बेसिस आर यूज्ड. ओके, तो यहाँ पर जो इमल्शन बेसिस हमने यूज़ किए थे मिसिबिलिटी विथ स्किन सिक्रेशन एंड सीरम के अंदर, जो हमने इमल्शन बेसिस स्टडी किए थे, बेसिस जो थे चार जो पॉइंट थे हमारे, फर्स्ट ऑलेजन बेसिस, सेकंड एब्सॉर्प्शन बेसिस एंड थर्ड इज इमल्शन बेसिस. जो इमल्शन बेसिस हमने यूज़ करने होते हैं वो रैपिडली रेडियली मिसिबल होते हैं स्किन के लेयर के अंदर, और स्किन का जो सिक्रेशन होता है अंदर का तो अच्छे से रेडियली वो मिसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रेजी मटेरियल. जो ग्रेजी बेसिस है
जो बहुत ज़्यादा चिकट है उसके कंपैरिजन में जो इमल्शन बेसिस है वो ज़्यादा रैपिडली स्किन के सिक्रेशन के अंदर एब्सॉर्ब किया जाता है, रेडिली मिसिबल होते हैं. फॉर दैट रीज़न स्मॉल उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट में हमने ड्रग अगर इमल्शन बेसिस के अंदर ऐड करें तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर. ओके, नेक्स्ट वन इज उसके आगे देखते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन बेसिस आर रेडिली मिसिबल विथ सीरम. तो जो हमने स्टडी किए थे ऑयल इन वाटर जो इमल्शन बेसिस थे वो रेडिली मिसिबल है सीरम के अंदर, जो हमारा स्किन के अंदर का जो सीरम होता है उसके अंदर वो रेडिली मिसिबल है. आर वेरी यूजफुल फॉर ऑइंटमेंट बेसिस बेस फॉर व्हिपिंग एक्जेमा. मतलब इस टाइप के जो ऑयल इन वाटर टाइप के जो इमल्शन बेसिस है वो मिसिबल है सीरम के अंदर, वाटर अंदर स्किन का जो सीरम है उसके अंदर मिसिबल है. तो उस टाइप के जो इमल्शन बेसिस है हमने यूज़ करने होते क्या बोलते हैं उसको, इजिमा, व्हिपिंग एक्जिमा. मतलब जो व्हिपिंग एक्जिमा मतलब जे आपल्याला जखम झाल्यानंतर तिथं ते असं पू म्हणजे पस 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 होतं बघा, ते पस पसरतेमध्ये होतं व्हाईट कलरचं, ते त्यात त्यात एकदम ते फीलिंग होतं व्हाईट कलरचं, पस म्हणतात त्याला आपण. तर ते रिमूव्ह करण्यासाठी अशा टाईपचे आपण ऑइंटमेंट स्किनवर लावू शकतो. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट वन इज दॅट कम्पॅटेबल विथ स्किन सिक्रेशन. ॲज द नेम इंडिकेट कम्पॅटेबल, आपल्या स्किनसोबत ते कम्पॅटेबल आहे का नाही ते आपल्याला बघायचं आहे. कम्पॅटेबल विथ स्किन सिक्रेशन, न्यूट्रल पीएच ऑइंटमेंट्स आर कम्पॅटेबल विथ मेजॉरिटी ऑफ मेडिकमेंट्स. जे न्यूट्रल पीएच ऑइंटमेंट आहेत ते आपल्याला कम्पॅटेबल विथ मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकमेंट्स. अँड ऑल्सो दे डू नॉट कॉज डिस्कम्फर्ट इन यूज. जो हमारा बॉडी का पीएच है, जो हमारे बॉडी पार्ट का जो पीएच है उससे उससे रिलेटेड उसके मुताबिक हमने हमारा ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना होता है, जो कि उसके अंदर मिक्सअप हो या ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हम बना नहीं सकते. जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे रिलेटेड ही हमने हमारा ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन करना है, उसका पीएच रखना है. क्योंकि अगर ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग भी हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो बॉडी को कॉज करता है, इरिटेट करता है, साइड इफेक्ट बताएगा. इसलिए जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके मुताबिक टेम्परेचर नहीं, बॉडी का जो पीएच है हमारे बॉडी सर्फेस का उसके मुताबिक ही हमने हमारा ऑइंटमेंट का पीएच रखना है. द ऑइंटमेंट बेस शुड हैव अ पीएच अराउंड 5.5 विच इज़ द एवरेज पीएच ऑफ द स्किन सिक्रेशन. ओके, जो बॉडी का बॉडी सर्फेस का जो पीएच है उसके मुताबिक हमने ऑइंटमेंट का पीएच रेंज रखना है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ दैट फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट. जो फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट एज द नेम इंडिकेट दिस इज फ्री फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट. जो ऑइंटमेंट हमने ऐसे बनाना है कि जो हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट ना बताए, इरिटेशन प्रोड्यूस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेशन ना हो हमारे स्किन के लिए. तो वो हमारा ऑइंटमेंट जो हमने प्रिपेयर करना है वो फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट. ऑइंटमेंट बेस शुड बी नॉन इरिटेंट रहना चाहिए. ऑब्वियसली ग्रीजी बेसिस कॉजेस इरिटेशन, में कॉज ओइडिमा मतलब जे सूज निर्माण करतं, इरिटेंट इफेक्ट दाखवतं, हीट प्रोड्यूस होते, रेडनेस होते त्या बॉडीवर. त्यासाठी आपल्याला ग्रीजी बेसिस आपल्या स्किनवर किंवा ऑइंटमेंटमध्ये यूज करायचे नाही आहेत. ऑइंटमेंट बेस शुड बी नॉन इरिटेंट, ग्रीजी बेसिस कॉजेस इरिटेशन, मे कॉज ओइडिमा. त्यासाठी आपल्याला ग्रीजी बेसिस अवॉइड करायचे आहेत आपल्या ऑइंटमेंटमध्ये. द ऑइंटमेंट यूज फॉर आय ऑइंटमेंट शुड बी नॉन इरिटेंट ऑब्वियसली अँड फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. ओके, अँड ऑल्सो ऑल इन ऑइंटमेंट बेसिस शुड बी हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्यूरिटी. जो ऑइंटमेंट हम बनाने वाले हैं वो हाई प्यूरिटी से, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से, स्टैंडर्ड मेथड से हाई प्यूरिटी मेंटेन करते हुए, स्टेरिलिटी मेंटेन करते हुए हमने ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन करना है. ओके, सिक्स वन इज दैट इमोलियंट प्रॉपर्टीज. एज द नेम इंडिकेट इमोलियंट मतलब सूथिंग इफेक्ट, मतलब एक स्मूथ टेक्स्चर हमने बॉडी पर प्रोड्यूस करना होता है ऑइंटमेंट से. तो सूथिंग इफेक्ट कितना है उसका वो देखेंगे हम. द ऑइंटमेंट बेसिस शुड बी इमोलियन प्रॉपर्टीज दैट शुड बी एबल टू कीप द स्किन मॉइस्ट. मॉइस्ट करने के लिए जो रफ स्किन है हमारे, ड्राई करने के लिए भी हम इमोलियन प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं. द ह्यूमेक्टेंट्स मीन टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर. ह्यूमेक्टेंट मीन्स टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर, टू रिटेन मॉइस्चर इन द प्रिपरेशन. फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज ह्यूमेक्टेंट इन यूअर क्रीम, जेलीज, पेस्ट, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा. ओके, द ह्यूमेक्टेंट्स लाइक ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल कीप द स्किन सर्फेस मॉइस्ट एंड सॉफ्ट एंड वूल फैट
पैराफिन यूज फॉर द स्किन सॉफ्ट एंड प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन। जैसे हम देखते हैं अब सर्दी के दिन में हम लोशन, बॉडी लोशन लगाते हैं, अलग अलग तरीके के लोशन हम बॉडी सर्फेस पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जो हमारी स्किन ठंडी की वजह से ड्राई होती है तो उसको हम मॉइस्चर प्रिवेंट करने के लिए, एक मॉइस्चर का टेक्स्चर, एक स्किन स्मूथ करने के लिए हम वो लोशन, बॉडी लोशन हमारे स्किन के ऊपर लगाते हैं। तो उसके अंदर हम ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, अलग अलग तो सॉफ्ट एंड वूल फैट हम हमारे बॉडी लोशन के अंदर होता है प्रेजेंट, पैराफिन होता है हमारे, तो वो एक बॉडी का जो ड्राई स्किन है उसको रिटेन करने के लिए, मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने के लिए, मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए हम इमोलिएंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, सच एज लोशन, लिलीमेंट, देन उसके बाद बोले लिलीमेंट नहीं होगा, लोशन होगा, उसके अंदर एक क्रीम होगा, जेलीज होगा अलग अलग, ओके, एलोवेरा जेल जैसे वो लगाते हैं हम बॉडी के ऊपर जो कि सॉफ्ट स्किन करता है, ओके। नेक्स्ट वन, तो ये सारे हमने देखने होते हैं हमारे एक स्टैंडर्ड ऑइंटमेंट के अंदर, हमारे प्रिपरेशन के अंदर, ओके। नेक्स्ट दैट इज, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड रिमूवल। तो हमारे जो ऑइंटमेंट है, जो हमारा स्टैंडर्ड एक प्रिपरेशन है, वो हम हमारे इजीली एप्लीकेबल कर सकते हैं या नहीं वो देखना पड़ता है, और इजीली लगाने के बाद वो इजीली रिमूव होता है कि नहीं वो हमने देखना होता है। ऑइंटमेंट बेसिस शुड बी रिमूवल इजीली फ्रॉम द स्किन, सो स्टिफ एंड स्टिकी ऑइंटमेंट बेस आर नॉट सुटेबल, ओके। तो इजीली रिमूव होना चाहिए हमारे बॉडी से, तो उसकी वजह से स्टिफ और स्टिकी ऑइंटमेंट हम अच्छे से रिमूव नहीं कर सकते, तो उसका हम यूज़ भी नहीं करेंगे, नहीं बना सकते वैसे टाइप में। ऑल्सो ऑइंटमेंट बेस शुड बी इजीली एप्लीकेबल एंड शुड बी स्प्रेड ऑन द स्किन सर्फेस, इजीली वो एप्लीकेबल होना चाहिए स्किन के ऊपर और वो स्प्रेड होना चाहिए ऑन द स्किन सर्फेस इजीली। तो ये 7 पॉइंट थे जो कि हमने एक सिलेक्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल के अंदर 2 पॉइंट हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट जो है डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर एंड जो सेकंड वन है जो है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। डर्मेटोलॉजिकल फैक्टर के अंदर फर्स्ट जो था एब्सॉर्प्शन एंड पेनेट्रेशन, सेकंड इज इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन, थर्ड वन इज मिसिबिलिटी विथ स्किन सिक्रेशन एंड सेरम, फोर्थ वन इज कंपैटिबल विथ स्किन सिक्रेशन, फिफ्थ इज फ्रीडम फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट, एंड सिक्स्थ इज इमोलिएंट प्रॉपर्टीज, एंड सेवंथ इज ईज ऑफ एप्लीकेशन एंड रिमूवल। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा सेकंड जो पार्ट है डर्मेटोलॉजिकल व्हीकल का, जो कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपने वन बाय वन साइड बाय साइड सब चैप्टर के नोट्स निकालने हैं, ओके, थैंक यू।